बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। रऊफ अज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। जुमे के हवाले से एक अच्छी बात के सेगमेंट में आपकी खिदमत पे पेश हाजिर हैं। तीन बातें करेंगे। एक दफ़ा एक गांव के अंदर तमाम लोगों ने मिलकर बारिश के लिए दुआ मांगने का मंसूबा बनाया। जिस दिन बारिश के लिए दुआ मांगनी थी, वहाँ पर एक बच्चा छतरी लेकर आ गया। ये ईमान है। नंबर दो, हम लोग बच्चों को खिलाते हैं और बच्चों को खिलाते हुए हम लोग हवा में उछालते हैं। जब हम बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है कि उसे पता है जो उसको फेंक रहा है वो उसे पकड़े भी का, ये यकीन है। नंबर तीन, हर इंसान दुनिया के अंदर सोता है और उसे ये पता है कि क्या पता हम लोग सुबह उठें या ना उठें, लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल के अंदर, अपनी घड़ी के अंदर अलार्म लगा के सोते हैं। ये उम्मीद है। यही चीज़ आजकल आप लोगों की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी होनी चाहिए कि आप लोगों को अल्लाह ताला के ऊपर अमान, यकीन और उम्मीद लाजमी होनी चाहिए। हम लोग अक्सर लोगों को देखते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन एक दर बंद हो के वो उसके पास रुक जाते हैं, स्ट्रगल करना ख़त्म कर देते हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला के ऊपर अमान, यकीन और उम्मीद रखेगा तो वो इंशाल्लाह दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएगा। यही अच्छी बात है, सोचिएगा ज़रूर। रऊफ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।